मैं मुंबई में जब शिफ्ट हुआ ना तो मुझे एक लड़की मिली. नहीं नहीं मिली पहले भी थी बट द वन आदरणीय वाइफ जी जो ये आज शो देखने आई भी हैं. हाँ इसलिए मैं बहुत इज्जत से बात करूँगा. हमने जब डिसाइड किया था ना कि हम लोग शादी करेंगे तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कोर्ट में जाके शादी करेंगे. अलग अलग धर्म के दो लोग, मतलब इंटर कास्ट भी नहीं इंटर रिलीजन. हाँ तो डिसाइड किया कि इस कोर्ट में जाके करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते थे सरदारों में लोग आ जाएं. ओ साढ़े सरदारों में मंडा नहीं मिला. उधर से वो पंडित तो भाई राम 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 भैया. अरे ब्राह्मणों कर लेते भैया तुलसा में जल चढ़ावे वाली ले आता है भैया तो आधा किराया तुम्हारा बाप देता है. लव मैरिज वाली बड़ी तेज हो भैया. जबान बहुत चलती भैया. कहा क्योंकि जबान शरीर का पार्ट है. शरीर में एक चीज दिमाग भी है. कई बार वो जबान मेरे फेवर में चलेगी. कोई बच्चा बच्चा अगर हमने कर लिया तो उसके बाद उसके फेवर में भी चलेगी. तो किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएगी तो पता तो चलेगा कि पढ़ी लिखी माँ आई है. है ना. वरना ये तो नहीं चाहिए कि अरे पेरेंट टीचर मीटिंग ए जी आप चले जाइए मैं तो पराठे बना रही हूँ. तो पड़ोस की नीता भाभी को ले जाइए वो माँ लगेगी. रिलायंस में ऐसी ब्रांडिंग करिए कि हर भाभी का नाम नीता ही लगता. हमने जब कोर्ट में शादी करने का फैसला किया ना अभी कभी तुम लोग का कभी प्लान हो मतलब ऐसे नहीं कि पहुंच जा जत्था में शादी करा दो. कब अभी ना निकाल लो चक्कू खून भरी मांग ले अभी हो गया. गुंडे पड़े जीप में हो गए यस्ता. ऐसा नहीं होता ठीक है. साइन करते हो बाकायदा एक महीने बाद की डेट मिलती है उस डेट पे आपको जाके करना होता है. हम लोग गए थे एक हार में ही कोर्ट है जिसमें गए थे जिसमें वो किराएदार का रजिस्ट्रेशन शादी का तलाक का ये दो तीन चीज होती है उधर. तो हम उधर गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. वो बोला बोलिए आपका रेजिडेंस प्रूफ दीजिए. मैंने दे दिया. वाइफ से बोला आपका दीजिए. बोले वो मेरा भी वही है हम लोग लिव इन में थे. I don't look cool, but I am. तो हमने साइन किया. उधर मैंने साइन करने को हुआ तो बोला रुकिए एड्रेस प्रूफ अलग अलग लगेगा. एक शादी किया नहीं साथ साथ कैसे रह रहे. मैं मन में सोच रहा हूँ तू मॉरल पुलिस क्यों बनना बेंचो तेरे से क्या मतलब है. वो फिर भी कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है. और मेरी वाइफ है सरदारनी. सरदारों में होता है गुस्सा जो वो थोड़ी देर तक तो मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं. फिर बोला ऐसे तो नहीं होगा नहीं करूँगा. मैंने कहा सुनो एक हो बार बोली हाँ जी क्या हुआ क्या कह रहे. बोला हाँ कीजिए ना साइन इधर. मैं इधर ही खड़ा रहा खिड़की के. मैं दे दो मैं बाहर से ही कर देता हूँ. उनका दे दो अंदर इसमें. फिर एक महीने बाद की डेट मिली. अब उम्र बढ़ने के साथ आदमी जो है वो थोड़ा सनकी टाइप होता जाता है. मटकी भी खरीदता तो 100 बार बजा के देखेगा पानी भर के इसमें छेद तो नहीं है. होता जाता है ऐसा आदमी. और मेरी उम्र हो रही थी 38. तो मैंने कहा यार मतलब सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. शादी तो कर रहे हैं लेकिन ठीक है कि नहीं. आगे चल के हमारी आपस में बनेगी कि नहीं. बैकग्राउंड में फ़र्क है. पर सोच के भी क्या कर लोगे. तुम कोर्ट में साइन करके आ गए हो कि मैं इसके साथ रहता हूँ और एक महीने बाद हमारी शादी है. आप उस आदमी की तरह हो जो स्विमिंग पूल के हाईएस्ट डाइविंग बोर्ड से कूद चुका है और पानी अभी आया नहीं है. तुम हवा में हो. ज्यादा चू चपड़ करी तो ऐसे करके तो धार से मुंह पे लगेगी चोट. इसलिए सरेंडर योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड एंड डू लाइक दिस. स्टे लाइक दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ.
शादी का दिन आया, हम लोग तैयार होने लगे. 18 जुलाई 2017 ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा. मूसलाधार बारिश हो रही थी. नहीं, कहानी लिखने के लिए नहीं बता रहा, हो रही थी. मूसलाधार बारिश हो रही. मुंबई में बहुत उमस होती है, तुम पता ही है. हम लोग शादी में जाने के लिए तैयार होने लगे. अब तुम्हारी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, शादी में जा रही है, तैयार हो रही है, और आपसे कहे कि आई विल जस्ट गेट रेडी इन 5-10 मिनट्स, डोंट बिलीव हर. शी विल टेक टाइम टिल द एंड ऑफ टाइम. आदमियों का ठीक है, जैसे अब टट्टी जा रहे अपनी शादी में जा रहे, मुंह पर पानी मारा, मुंह पर पानी मारा, चार छींटे मारे, शेरवानी पहनी, मैं तैयार हूं, जैसा मैं शादी करा दो, किससे किससे, मैं अपना फैंसी ड्रेस दूल्हा बनकर तैयार. शेरवानी एक ऐसा पहनावा है जिसकी वी शेप है और मेरी ये शेप है. शादी हुई तब यहां तक था तो कैसे, तो मैं उस शेरवानी में घुसा सांप की तरह. शादी के टाइम सीढ़ीदार मोटापा था मेरे शरीर पर, टायर से ऐसे सीढ़ीदार, मतलब उस पर शेरवानी में फूल पत्ती बन रही थी, फूल पत्ती बाहर और डंडी अंदर, लग रहा मेरे पसीने से ही इसमें फूल उग रहे हैं. और मुंबई में होती है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो इधर आप लोगों को पता ही है पाउडर लगाना पड़ता है. हाँ, नहीं तो कच्चे में से एक इमेजिनरी आरी आरी निकल के आती है. इफ यू हैव अ लॉन्ग वर्किंग डे, या तुम्हारी विरार की ट्रेन है, तो इलेक्ट्रॉनिक आरी भी निकलती है. तो मैंने वाइफ को जाके बोला, तैयार हो रही थी साड़ी तरह तरह से ट्राई करके नेट पे देख देख के, मैं चलो हमारी शादी है. कह रही है 5 मिनट. मैं कहा ठीक है, मैं बाहर आया. फिर मैं 1 घंटे बाद क्या, मैं चलो करिए 5 मिनट. मैं फिर बाहर आया. मेरा मन करा, घर में 4 AC हैं, पांचवा भी होता तो मैं नीचे लगा लेता और ऐसे कहते चलो हमारी शादी है, चलो हमारी शादी. 4 AC घर में, हाँ, वुडन फ्लोरिंग भी है, जर्मन किचन भी है, इट्स जस्ट ऑल ऑफ दिस इज मटेरियलिस्टिक स्टफ, इट डजंट मैटर. दिल्ली में भी रह के आया हूँ ना मैं, जज्बात समझो मेरे. तो मैं तैयार, और इंडियन लौंडा कैसा भी हो, शादी की शेरवानी में लगता जादूगर पाशाही है. इधर पंख, पगड़ी में मोर पंख, तीसरी क्लास का फैशन, वो जो होता था ना वो फैशन परेड, फैंसी ड्रेस, मैं तैयार हूँ, दस साहब मेरी शादी करा दो. मैं अंदर गया, मैं चलो शादी 10:30 बजे का टाइम दिया, बोली 5 मिनट. 1 घंटे बाद गया, बोली 5 मिनट. तीसरी बार गया, चिल्लाई दी 5 मिनट. मुझे लगा मैं सच में जादूगर पास हूँ, जैसे अभी कहूंगा मेहमान साहिबान कदरदान, ये लड़की मुंह से हाथ निकालेगी, ये लड़की. तैयार होके बहरहाल हम घर से निकले. 3 किलोमीटर जाने के लिए हमने मंगाई एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी, हमने मंगाई मर्सिडीज. 450 रुपए दिए 3 किलोमीटर के. हाँ, एक्चुअली उसको मंगाने का एक रीजन था कि हम पीछे बैठे शेरवानी पहन के, मैं ऐसे बैठा, उसमें नीचे भी ऐसी होता है, जैसे मैंने इधर मोड़ लिया, मैं चलो हमारी शादी है, चलो हमारी शादी. हवा लगा दो मेरे को, ये सब तो शादी वादी हो जाएगी, लेकिन पाउडर नहीं पहनना चाहिए.